हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन स्टिक इलेक्ट्रोड के बारे में। मैं आज आपको बताने वाला हूं, यानी के अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कास्ट आयरन एक मिश्र धातु है जिसमें 2 से 4% कार्बन होता है और साथ ही यानी के कास्ट आयरन के साथ ही सिलिकॉन और मैंगनीज की अलग अलग मात्रा और सल्फर और फास्फोरस जैसी अशुद्धियों के निशान होते हैं और कास्ट आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। यानी कि जो कास्ट आयरन होता है उसे ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। कास्ट आयरन वेल्डिंग करने के लिए कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मशीनेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग बोर्ड पर देख सकते हो। मशीनेबल इलेक्ट्रोड्स, मशीनेबल इलेक्ट्रोड में कॉपर निकल या शुद्ध निकल की कोर होती है। मशीनेबल इलेक्ट्रोड का यूज सभी प्रकार की कास्टिंग को रिपेयर करने, मशीन के दोष में सुधार करने के लिए और क्रैक को भरने के लिए और कास्ट आयरन को स्टील के साथ वेल्ड करने के लिए मशीनेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। मशीनेबल इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट की गई वेल मेटल को मशीनिंग कर सकते हैं, यानी के वेल्डिंग को घिस सकते हैं, इसलिए इसे मशीनेबल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कास्ट आयरन स्टिक इलेक्ट्रोड का जो दूसरा जो प्रकार होता है उसे नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड में माइल्ड स्टील कोर के विशेष कोटिंग के साथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके विशेष कोटिंग किया जाता है। नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड विशेष कोटिंग या कोटिंग के बगैर के माइल्ड स्टील कोर वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल बहुत हार्ड होती है। इस इलेक्ट्रोड का यूज वहां किया जाता है वेल्डिंग करने के बाद मशीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी के वेल्डिंग को घिस नहीं सकते हैं और ये इलेक्ट्रोड टाइट और वाटरप्रूफ वेल्ड होता है। इस इलेक्ट्रोड का यूज मोटर ब्लॉक रिपेयरिंग, पुल व्हील, पंप पार्ट्स, घूमने वाले व्हील और सिमिलर स्ट्रक्चर को वेल्ड करने के लिए नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। यानी के कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। एक होता है मशीनेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड। जो मशीनेबल इलेक्ट्रोड होता है उससे वेल्डिंग करने के बाद उस वेल्डिंग लाइन को ग्राइंडर से घिस सकते हैं, इसलिए उसे मशीनेबल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और जो नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड होता है उसे उस इलेक्ट्रोड से वेल्ड करने के बाद मशीनिंग यानी के ग्राइंडिंग करके घिसना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन यानी के वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ENIFE-CI और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है ENI-CI, ये दोनों इलेक्ट्रोड मशीनेबल इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले
EnI Fe-Si। इसका अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में वर्गीकरण कैसे किया जाता है? E means स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, Ni means निकल होता है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में 55% निकल होता है, और Fe means होता है आयरन, और इसमें 45% आयरन, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में 45% आयरन होता है, और इस इलेक्ट्रोड में यानी कि अन्य तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर आदि मिलाए जाते हैं। Si मींस कास्ट आयरन होता है, और इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 58,500 psi होती है, और इस इलेक्ट्रोड को DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी और AC करंट में यूज किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। यूजेस EnI Fe-Si। इस इलेक्ट्रोड का यूज ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल और मेलेबल कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और कास्ट आयरन टू रोट आयरन मटेरियल, कार्बन स्टील और लो और निकल एलोई को निकल एलोई के साथ वेल्ड करने के लिए EnI Fe-Si इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और EnI Fe-Si इलेक्ट्रोड को 55 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इस इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। EnI-Si अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इस इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और ये इलेक्ट्रोड भी मशीनेबल इलेक्ट्रोड है। ई मींस स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, Ni मींस होता है निकल, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में निकल का प्रतिशत 99% होता है, और अन्य तत्व जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर आदि मिलाए जाते हैं। Si मींस कास्ट आयरन होता है, और इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 69,900 psi होती है, और इस इलेक्ट्रोड को DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी और AC करंट में भी इस इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। यूजेस EnI-Si इस इलेक्ट्रोड का यूज ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड से कास्ट आयरन के साथ कार्बन स्टील या लो एलॉय स्टील को जोड़ने के लिए भी इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और EnI-Si को 99 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मशीनेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। EST ये इलेक्ट्रोड नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड होता है। E मींस होता है स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, और ST मींस होता है लोअर कॉस्ट स्टील इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट वेल्ड मेटल हार्ड और नॉन मशीनेबल होती है, यानी कि EST जो इलेक्ट्रोड होता है
वो नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड होता है। ईएसटी का यूज कास्टिंग पार्ट के हिस्से को वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोड नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड होता है। ये आपके सामने जो इलेक्ट्रोड है ये कास्ट आयन इलेक्ट्रोड है। कास्ट आयन इलेक्ट्रोड के फ्लक्स कोटिंग में कार्बन, टिटेनिया और आयरन पाउडर और स्लेग फॉर्मिंग मटेरियल और बाइंडर मटेरियल का मिश्रण करके फ्लक्स का कोटिंग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।